भी जहाँ होटलों में सपा की आड़ में वेश्यावृत्ति हो रही है, उस संबंध में अलग अलग टीमें बनाई गई, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें जैसे जो जो मालिक हैं, होटल मालिक है, सब प्रकार। पलवल पुलिस ने स्पा सेंटर व ओयो होटल्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी करके दो दर्जन से अधिक युवक युवतियों को काबू करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, जिसमें दो मुकदमे एमोरियल ट्रैफिक एक्ट व दो मामलों में 133 के तहत कार्रवाई करके वैश्यवृत्ति का काला धंधा कराने वाले ओयो होटल व स्पा होटल संचालकों की कमर को तोड़ने का काम किया। पुलिस ने एक साथ कई स्पा सेंटर व ओयो के अमन होटल व ड्रीमलैंड होटल पर एक साथ कार्रवाई करके वैश्यवृत्ति करने वाले दर्जनों युवक युवतियों को काबू किया। साथ ही दर्ज किए गए मुकदमे में होटल के मैनेजर व संचालक को भी शामिल किया गया है। यहाँ होटलों में सपा की आड़ में वैश्यवृत्ति हो रही है, उस संबंध में अलग अलग टीमें बनाई गई, जिसमें ड्रीम होटल, अमन होटल, वहाँ से ड्रीम होटल से 5 और अमन होटल से 7 लेडीज जेंट्स पकड़े गए जो वैश्यवृत्ति का धंधा कर रहे थे, जिसमें होटल मैनेजर शामिल है। अगर डीसीपी की माने तो उन्हें काफी समय से पलवल के ओयो होटल के अंदर अवैध रूप से वैश्यवृत्ति कराए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिन शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए एसपी पलवल के दिशा निर्देश अनुसार कार्यवाही करते हुए छापेमारी की गई और दो वैश्यवृत्ति में संलिप्त दर्जन के अधिक युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया, ताकि आगे से कोई वैश्यवृत्ति इस काले कारोबार को करने की हिम्मत न जुटा सके। पुलिस की यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी और इस धंधे में लिप्त किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सपा सेंटर भी है, वहाँ से भी 12 लड़के लड़कियों के करीब, हाँ, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें जैसे जो मालिक है, होटल मालिक है, सब प्रकार। मैं 4-5 लोकेशनों पर हमने रेड की थी वहाँ, और उनकी जैसी जिस दो में 133 की कार्रवाई भी की जा रही है अलग से, वहाँ भी कुछ युवक और युवतियाँ मिली हैं। दो मुकदमे इमोरल ट्रैफिक एक्ट के दिए गए, जिसमें 7, एक में 7 है, एक में 5 है, बाकी दो जगह की कार्रवाई 133 की कार्रवाई की जा रही है, जहाँ वो पब्लिक की डिमांड पर जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, उस संबंध में उनका कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, अगर कहीं भी कोई भी इलीगल एक्टिविटी या वैश्यवृत्ति की कोई इतना मिलती है, पूरी शक्ति से कार्रवाई। पुलिस द्वारा की गई इस छापेमारी के बाद स्पा सेंटर संचालकों व होटल मालिकों के अंदर भगदड़ मची है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि ये भगदड़ कब तक मचती है और पुलिस इस काले कारोबार को रोकने में सफल होती है या फिर कुछ समय के बाद ये काला कारोबार फिर से शुरू हो जाता है। हरियाणा वरदान के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।